खरगोन जिले में नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। हम आपको बता दें कि आमजन की सुविधा के लिए शहर भर में सीवरेज लाइन बिछाई गई, लेकिन खोदे गए गड्ढों को दुरुस्त करने के नाम पर नगर पालिका ने आज भी उदासीनता दिखाई है, जिसमें आए दिन जान माल का नुकसान बना रहता है। इसी क्रम में गोरीधाम कॉलोनी के समीप कोयले से भरा एक ट्रक जमीन में धंसने लगा, जिसमें सवार बाल बाल बचे हैं। इस दौरान ड्राइवर ने बताया कि सड़क पर खोदे गए गड्ढों को दुरुस्त न करने के हादसा हुआ है, जिससे हमारी जान जा सकती थी। बहरहाल नगर पालिका प्रशासन का उदासीन रवैया किसी दिन बड़े हादसे की तलाश में आंखें मूंद कर चैन से सो रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये गाड़ी कैसे का ढस गई यार? ये टर्न ले रहे थे, नाली फूटी पड़ी थी, इसके भरा भरा नहीं है, गाड़ी थोड़ी सी आगे थी, बैठ गई है, पलट जाती हो तो बच गई, थोड़ी सी रुक गई है। कब पूरा टायर ढस गया? पूरा टायर ढस गया, उसके बैठ गया टायर। कब की घटना आई? ये अभी 10 बजे की घटना। कहाँ ले आ रहे थे माल? क्या भरा हुआ है? कोयला भरा है। कहाँ से आ रहे थे आप? सारनी से। यहाँ किस के यहाँ ले आ रहे? यहाँ वो प्रजापति जी के यहाँ ले आ रहे। क्या नाम है आपका? मोन्टू शुक्ला। क्या ड्राइवर हो जी? गाड़ी कहाँ की? सारनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।